क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको चना चिली बनाना बताएंगे। ये काबली चना को हमने ओवरनाइट सोक करके और इसे हमने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल करके इसको बॉईल करके इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है। ये नमक और हल्दी डालकर बॉईल करने का रीज़न ये भी है, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वो कढ़ाई में बम की तरह फूटेगा नहीं। तो ये प्रोसेसिंग सबसे ज़रूरी है कि आप उसे नमक और हल्दी डाल करके अच्छे से बॉईल कर लीजिए। इधर हम एक बाउल लेंगे। बाउल में ये हम मैदा लिए हैं, लगभग 2 बड़े चम्मच मैदा है। ये चावल का आटा लिए हैं, ये लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबको मिक्स करना है। इधर ऑयल भी है, गरम होने रखे हैं। इसमें से हम 1 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, इसमें डाल दूंगी। थोड़ा नमक डालूंगी, चना में भी हमने नमक डाला हुआ है तो उसी हिसाब से थोड़ा, जितना बैटर ये बनेगा उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। करने के बाद इसे एक अच्छा सा थिक बैटर हमें बनाना है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। और एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके एक अच्छा सा रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और आपको बिल्कुल होटल के तरह बन के मिलेगा। मैं तो बोलूँगी कि होटल से ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा अगर आप घर पे इस तरह से बनाएंगे। तो आप बनाइए और हमें भी बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इसे हम घोल कर रेडी करते हैं, तब तक हमारा ऑयल भी उधर अच्छा गर्म हो जाएगा। ये इतना थोड़ा और पतला चाहिए, बहुत गाढ़ा है, इतना होना चाहिए कि ये चने पे अच्छा सा एक लेयर कोटिंग आ जाए। ज़्यादा पतला रहेगा तो कोटिंग बराबर नहीं आएगी, कोटिंग जब बराबर नहीं आएगा तो फिर टेस्ट भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उस हिसाब से हमें रेडी करना है, लम्प नहीं रहना चाहिए इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का एकदम स्मूथली गिर रहा है, ये तो ये रेडी हो गया। अब हम इसमें चने को डालूंगी इस तरह से, और एक इसे मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं कि चने पे अच्छा सा एक कोटिंग आ गई है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं बनाना था घोल। अब एक एक चने को लेकर के अच्छा होगा कि आप इस तरह से उठाइए और इस तरह से एक एक चने को गिराकर अच्छा सा क्रिस्प होने तक हमें कर लेना है, पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही ये सारा प्रोसेसिंग करेंगे, हाई फ्लेम में नहीं करेंगे। हाई फ्लेम में कलर आ जाएगा लेकिन आपका ये क्रिस्प अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरह से जितना एक बार में कढ़ाई में आती है आप डालिए। तो आपको हम तल करके दिखाते हैं कि किसे हमें निकालना है, किस तरह का निकालना है। बस अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, अभी टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से पूरा फ्राई हो चुका है। इसे निकाल लेती हूँ।
और जो चिपका फ्रेंड जितना तोड़ सकते हैं उसको तोड़ के आप अलग अलग कर लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, क्रिस्पी भी है ये। आप ऐसे भी इसे इस पे चाट मसाला डाल करके आप भेल बना करके इसका खा सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा प्याज डाल करके खाइए। तो कुछ को देखिए इस तरह से, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। और इसमें से इसी कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ, तो इसका ऑयल हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है आधी छोटी चम्मच। जिस तरह मुझे ड्राई बनाना है, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ड्राई बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने आधी चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये कम से कम 10 से 12 काली मिर्च को कूट करके ली हूँ। ये प्रोसेसिंग पहले ही स्टार्टिंग में ही बना करके रख लीजिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो जलने लगता है एक एक करके डालने पे। ये सोया सॉस 1 बड़े चम्मच, चिली सॉस ये भी हमने 1 बड़े चम्मच चिली सॉस लिया है। ये टोमेटो केचप है, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये रेड चिली फ्लेक्स है, इसको मैं बाद में यूज करने वाली हूँ तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ऑलरेडी सॉस में नमक रहता है तो उसी हिसाब से थोड़ी सी नमक मैं ऐड करूँगी। और थोड़ा 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो जब आप कढ़ाई में डालिए तो उस समय भी एक बार थोड़ा सा घोल करके डालिए। तो ये सॉस जो है हमने रेडी कर लिया है, इसे हम अब साइड में इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब अगला प्रोसेसिंग, इधर कढ़ाई गर्म होने रखा है, ऑलरेडी हमने बहुत सारे तेल निकाल दिए हैं। तेल इसमें 2 बड़े चम्मच ही तेल हमने लिया है। तो ये 4 से 5 लहसुन की कली है जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है लंबे लंबे स्लाइस में। ये जब तक तेल में थोड़ा सा फ्राई होगा, ये थोड़ी सी 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हूं। ये 3 से 4 हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके ले सकते हैं। इन सबको हाई फ्लेम में ही बनाना है, लो फ्लेम में नहीं बनाना है। हाई फ्लेम में हम इसे कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। उसके बाद इसी स्टेज पे ये हमने प्याज भी कट करके लिया है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ। 1-2 सेकंड इसे भी कुछ चला लेती हूँ, इतना चलाना है कि ये प्याज जो है वो अलग अलग हो जाए, थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है इसमें। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, 1 पिंच इसमें भी। इससे क्या होगा कि प्याज जो है जल्दी से खुल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने नमक फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप खुद अंदाज से डालिए, कैसा आप नमक खाते हैं उस हिसाब से। ये प्याज भून गया, शिमला मिर्च ऐड करूंगी और इसे भी कुछ सेकेंड भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत बार बना चुकी हूँ तो सोची इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देख सकते हैं कि ये भून गया अच्छा सा। इसी स्टेज पे ये जो हमने सॉस बना करके रखा है उसे भी डाल दूंगी। सॉस जब डालिए तो फटाफट आगे का प्रोसेसिंग कीजिएगा। ये थोड़ा सा नीचे ये बैठ गया है, तो सोया सॉस और ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए।
कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है, बैठ जाता है। एक हाथ से डालिए और एक हाथ से थोड़ा इसे मिक्स कर दीजिए और बहुत ही जल्दी ये काम करना होगा। ये देख सकते हैं ये मिक्स हो गया। अब ये जो हमने इसे फ्राई करके रखी हूँ इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इसे फटाफट हमें मिक्स करना है। जो टाइम फ्रेंड्स इसको लगता है बस थोड़ा फ्राई करने में ही लगता है चने को, और नहीं तो ये देख सकते हैं कि कितना जल्दी ये फटाफट बन गया। अगर आप चने को बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए और सब्जी आपकी कटी हुई है तो इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये रेडी हो गया, रेडी हो गया। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो देख सकते हैं ये कितना टेस्टी और अच्छा बन करके रेडी हो गया है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको ये। अब आपको लगता होगा चिली फ्लेक्स तो हमने डाला ही नहीं, तो चिली फ्लेक्स फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे सर्व करते टाइम। इस समय अब जो चिली फ्लेक्स लिया है इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कीजिए। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो उससे भी आप गार्निशिंग कर लिए और सर्व कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा बनकर के रेडी हो गया है ना। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, और टेस्टी भी बना है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।